कहना चाहूंगा और ये चीज शायद जितनी भी मैं तारीफ करूं हमारे सांसद महेश गिरी जी की, वो मेरे वो हमेशा होगी। कोई भी ऐसा शब्द नहीं आज मेरे पास जो इनके लिए काफी हो। जिस तरीके से इन्होंने आप सभी लोगों को लास्ट एक मिनट में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं और किस तरीके से इन्होंने एक बड़ा भाई मेरे बड़े भाई बन के जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से सपोर्ट किया पहले दिन से लेकर अभी तक, मैं पूरी जिंदगी इस सपोर्ट को नहीं भूल पाऊंगा। जिस तरीके से इन्होंने मुझे अपना छोटा भाई समझ के मुझे अपने पास रखे, मुझे सारी चीजें समझाई और अभी तक समझाते आ रहे हैं। जब मैं वो अभी तक बोलते आता हूँ उससे पहले भी जिस तरीके से समझाया, शायद ऐसा बड़ा भाई अगर सौंपो तो फिर हाथ को कोई सकता ही नहीं। इससे पहले मैं सभी को ये कहता आता था कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज वो होगा कि जो हम लोगों को प्रॉमिस करेंगे उनको हम पूरा करेंगे, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा और कोई भी पार्टी हमारा चैलेंज नहीं है। लेकिन आज मुझे इधर ये समझ आया कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज वो भी नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सांसद ने पिछले 5 साल में इस क्षेत्र में काम किया है, उस काम को आगे लेके जाना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मुझे लगता है मैं उसी दिन जीत जाऊंगा कि जितने कार्य हमारे सांसद ने इस क्षेत्र में किए, अगर मैं उतने ही कार्य कर पाऊं तो शायद वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 4.5 साल में जो उससे पहले एक प्रॉमिस किया कि हम पूरी दिल्ली को सीसीटीवी कैमरा से सुरक्षित कर देंगे, लेकिन जैसे हमारे सांसद ने बोला ये एक ऐसा क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगाए, तो मैं आपको एक ही आश्वासन देता हूँ कि कभी जिस तरीके से हमारे सांसद ने कभी आप लोगों का सर नीचे नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों का सर नीचे झुके, मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ, मैं भी ये पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी आप लोगों का सर मेरी वजह से नीचे न झुके। मैं आपसे मैंने भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर ज्वाइन करी, उनका ये जो विजन है इस देश को सुपर पावर बनाने का, ये हम सब लोगों को मिलकर उनका ये सपना पूरा कर रहे हैं।